मुखो जी डॉक्टर साहब मैं बड़ी परेशान हाँ। अच्छा मैं ना इस पिंड विच रह के ना ते पागल लोगों नूं दवाइयां दे दे के ते पागल लोगों का इलाज कर करके मैं थक गई हाँ और मैं अति पागल हो गई हाँ इस पिंड ते पागल लोगों के नाल और मैनू अच्छा खासा पता है कि तू पढ़ी लिखी कुड़ी है और तू एक प्रॉपरली पूरी डॉक्टर है तो तू मेरे को आई है ठीक है सिर्फ ट्रेनिंग वास्ते तो मैं समझ नहीं आती मैं खुद पागल हुई हूँ कल की गल सुन कल एक पेशेंट आया मरीज आया अच्छा। और आके पागलों तरह मैं वेखी जाता है डेले फाड़ फाड़ के मैं परेशान हो गई अच्छा मैं क्या एक की तकदा पिया वो जो उन्होंने मैं चेक किया तो मैं पता चलिया कि अन्ना है फिर की दसा तेन मैं तो लगता है कि मैं आप जाके अपना भी इलाज करवाना पेगा नहीं डॉक्टर मेरी तुम कैसी गल कर रहे हो तुम पता है ताकि इतनी इस पिंड मैं तारीख सुनी है कि मैं स्पैशल रोज तेरे को ट्रेनिंग लैन आई हाँ इतने के हर बंदे हर इंसान हर पेशेंट सिर्फ ताडे ते उम्मीद है हर बंदे का आसरा उम्मीद सिर्फ नूरी तो जुड़ी हुई है अगर तुम एवं की गल करोगे तो फिर हस्पताल कितना चलेगा मैं परेशान हो गई हाँ मुखो कुछ समझ नहीं आती पागलों और आते ने एक तो नाल पागलियाँ करते हैं तो एक उत्तों नाल ठरकियाँ मारते हैं बंदा पागलों को कुछ कह भी नहीं सकता कि पागल अगर किसी को पता चले तो उन्होंने कहना है ले ऐ तो है ही पागल सी बड़ी परेशान हाँ मैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब वालेकुम अस्सलाम हाँ जी की मसला है डॉक्टर साहब ए मेरा अकलौता पोता है जी जी चार बीवियां जो एको ही पोता है मैं इस पुत दी वजह ना बड़ा ही परेशान हां की होया है परेशान हां बड़ा ही परेशान हां दसो ते सही होया की है ए जदो बोलता ना ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸੁਣੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਉਹਦੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇਲ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦੇ ਮੁਖੋ ਇਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦੇ
ਚੌਕੀ ਬੈਜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਾ ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ ਫੜੋ ਇੱਥੇ ਲੈ ਬੈਜ 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 ਵੇਖ ਲੈ ਮੁੱਖੋ ਇਹ ਹਾਲ ਪਾਗਲ ਕਰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਾਗਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ मैं समझा भी आखिरी उम्मीद सी मैं तुहाडा नाम बड़ा सुनया कि जरूरी डॉक्टर आईए और मेंटल दा इलाज कर दिए हुण तुहाडे वसीले करणा ते रब दी जात है पर इहदा इलाज करो जिहड़ा तुसी कहंदे सी ना हां जी कि इंद्रा गुस्सा करदे आ ते आ भोकदा है हां जी हुण इहनूं तुसी जरा गुस्सा करके वेखो मैं वेखदी आ किद्दां भोकदा तुहाडे नाल और नहीं डॉक्टर साहिबा फेर भोंकेगा तुसी गुस्सा करो ना भाई जान मैं वेखदी आ किद्दां भोकदा अच्छा ओ भोंक ओ भोंक ना ना ओ कुत्तिया ओ तमीया ओ बेटा नहीं बोलना फिर को पों को ले अगर ये इंजेक्शन हाथ में आ गया तो यह इदा ही भौंकता रहेगा ठीक है जो तो भी भौंकन लगे इन अपनी जेब च कट के बहाना तो यह जिंदगी च नहीं भौंकेगा यह इंजेक्शन ही इदा इलाज है इदा फीस दसो जी कितनी बन गया जी ले जो मैं फीस बिना इलाज करनी है ठीक है मैं मेरे को अल्लाह ने दिता बहुत खुश है शुक्र अलहमदुलिल्लाह बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब अल्लाह भला करे इधर आओ डॉक्टर साहब ये तो आ नहीं रहा ओहो ए इंजेक्शन जेब च पाओ तो फिर इन्हें बुलाओ अच्छा अच्छा इधर आओ बस तू ना पेशेंट से ज्यादा तो ज्यादा ध्यान दिता कर ठीक है बिल्कुल ठीक है और ऐ देखिया कर कि केड़े पेशेंट नु केड़ी दवाई देंदे ने ठीक है ऐ तवज्जो और गौर ना देखिया कर ठीक है और मेरे को पैना करावे और मेरी पैना करावे और इन्नी दूर आई है तू मेरे को शागिर्दी करन वास्ते ठीक है और तू ते खुद इतनी बड़ी डॉक्टर ने जी जी डॉक्टर नूरी यू आर ग्रेट तुसी बहुत अच्छे डॉक्टर है मैं ताजे को बहुत कुछ सीख रही हूं तुसी देखो मैं कुछ टाइम से बिल्कुल परफेक्ट इंशाल्लाह 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 नूरी डॉक्टर मुझे कितना टाइम लगेगा परफेक्ट डॉक्टर बनने के लिए थोड़ा टाइम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम जी डॉक्टर साहब कैसी हैं आप जी और बेटा आप कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाए कैसे हैं सर अल्लाह पाक का करम है एक्चुअली मुझे 10 मिनट हो गए मैं वॉक कर रहा था जी तो सोचा डॉक्टर साहब से मैं मुलाकात कर लूं हां हां बोले और सब खैरियत है जी जी बोलो बोलो आप ठीक है जी सर आप ठीक हो बैठ जाओ नहीं नहीं बस ठीक है जी जी ओ ठीक है उठे तुसी गल करो अपनी जी जी एक्चुअली मैं आपसे बात करना चाह रहा था काफी दिनों से हां जी करो तो मेरा मसला जो है ना मेरी वैसे स्टोरी तो बहुत लंबी है लेकिन शॉर्टकट आपको मैं बता देता हूं जितनी भी लंबी है हम डॉक्टर जिन सॉरी मैं तेरे लिए वेख वेख के मुखो उर्दू ही बोलने लग पे हाँ जी जिन्नी भी लंबी है ना स्टोरी ताड़ी तुसी सुनाओ असी स्टोरियां सुनने वास्ते ही बैठे हैं जी मैं आपसे बात कर रहा था सबसे पहले तो मैं माजरत चाहती हूँ कि मैंने ये काम रखी हाँ जी हाँ जी बोलो सॉरी बोलो एक्चुअली 210 की बात है हाँ हाँ कि खून सफेद हो गया बहन भाइयों के भाई भाई का नहीं बहन बहन के एक जमीन की वजह से क्या कुछ हो जाता है रिश्ते बदल जाते हैं
बहन भाई बदल जाते हैं, एक सिर्फ जमीन के टुकड़े की। ने पता नहीं क्या कुछ करवा देते हैं, समझ से बाहर आता है। मैं असल मौके पे आता हूँ डॉक्टर साहब, ये तो कोई बेचारा बहुत दुखी आदमी लग रहा है। मैनू एदा ही लगता पाया, बाकी तू यदी अगली गल सुन, एक कहता की है ठीक है, तेन भी हो गया इन्ना छोटा दिल डॉक्टर का नहीं होंगे उनका मुखो गल सुन दी। हाँ जी बोलो। आप इस वक्त सोच रही होंगी कि मैं पागल हूँ। नहीं नहीं ऐसी गल नहीं है। नहीं डॉक्टर ये पागल नहीं लग रहा, मुझे बहुत अच्छा इंसान। मैनू भी इदा ही लगता पे कि पागल नहीं है। जी जी मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पता है आप डॉक्टर साहब है, ये मेरी बेटी जैसी बेटा, आप कैसे दिल छोटा ना करें, दिल छोटा ना करें। जी 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 बात सुने और सीखे। जी तुसी बोलो। जी तो मैं था कि 210 पे। जी 210 पे जमीन का मामला। जी 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 जमीन का मामला। ए की होए लाइट चल रही है पता है ना तुम्हें, पाकिस्तान च लाइट का ही मसला है। जी जी बोलो तुसी अगली गल। 210 और वो जायदाद हथियारने के लिए उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी, उन्हें कहना शुरू कर दिया कि ये पागल है। अच्छा। मुझे पागल करार देने के लिए कई डॉक्टरों के पास लेके गए, पास से रिपोर्टें तैयार करवाई 30 डॉक्टरों से, और उन्होंने कहा कि हाँ ये पागल है। वो सुन मैं बहुत ज्यादती है, बहुत नाइंसाफी है डॉक्टर इनके साथ, मैं कह रही हूँ बहुत अच्छे इंसान लग रहे हैं। मैंने भी इतना ही लगा दिया। अच्छा अच्छा फिर क्या, मेरी बेगम मुझे छोड़ गई। वो क्यों छोड़ गई, कि छोटी साली मेरे पास आई हुई थी घर में। अच्छा। मेरी बेटियों की तरह थी, मेरी बहनों की तरह थी। उसकी तबीयत खराब हुई, मैंने कहा चलो बेटा मैं आपको बाइक पे ले जाता हूँ। अच्छा। सिर्फ मैंने ये कहा। हाँ। और मेरे पे इतने बड़े बड़े ब्लेम लगा दिए उन्होंने कि मैं आपको बता नहीं सकता। तोबा तोबा, कितने गंदे लोग है, कितनी गंदी सोच है, बदतमीज जाहिलियत वाले लोग। तोबा तोबा, तुसी एदा रोवो नहीं, वेखो मैं भी तुहाडी वड्डियां भैणां दी तरह ते ऐ भी तुहाडी समझो जिदा छोटी भैण ही है। सब लोग मुझे पागल कहते हैं, आप बताएं कि मैं आपको पागल नजर आता हूं। नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत डिसेंट आदमी है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक दुख है, एक ही, कि काश मेरी बहन होती, मेरी अपनी छोटी बहन होती। उसे मैं घुमाने लेके जाया करता बाइक पे, शॉपिंग करवाता उसे, गोलियों पे भी खिला देती कभी कभी। तुसी परेशान ना होवो, देखो मैं भी ताड़ियां पैना तरावा, ते एनु तुसी अपनी छोटी भैन ही समझो। ठीक है, ते तुसी बाइक की केड़ी गल आ, कोई गल है बाइक की मुखो भी नहीं लगता। तुसी एदा करो, ताड़े दे विच अगर इन्ना ही इन्नी भैन दी ख्वाहिश है ना, ताड़ी है पैना तराई आ। ठीक है, तुसी एदा करो, तुसी इनू नाल लै जाओ, ते तुसी इनू घुमा के ते फिर इत्थे तिना छड़ देना। बहुत शुक्रिया आपका। आया किस चीज पे? जी मैं अपनी बाइक पे आया हूं। वाह अच्छा अच्छा, तो अपनी मोटरसाइकिल पे। अच्छा जा मुखो, तू तोड़ जा लेते नाल ते जल्दी क्लिनिक वापस आ जा। ड्यूटी में जाने से कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं नहीं, तू बस जल्दी वापस आ जा। ठीक है, अच्छा तुसी हुन खुश हो? जी डॉक्टर साहब। हां तुसी नु ले जाओ, मैं बहुत खुश हूं। अच्छा अच्छा, जा किस पे? मैं बाइक पे चलते हैं। अच्छा बाइक पे चलो, आओ बैठो। बाइक का है बैठो ना। और Oh, my God.